हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोलॉजी इंपल्स टुडे इन सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर एट ऑफ क्लास ट्वेल्थ दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड विदे से वेरी फर्स्ट टर्म दट इज यूज हियर इज हेल्थ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज दैट इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड द सोशल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल यानी कि हेल्थ का मतलब ये होता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो फिज़िकली मेंटली और सोशली बिल्कुल ठीक होगा तभी हम उस इंसान को हेल्दी बोल सकते हैं फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक तौर पे, मेंटल का मतलब होता है मानसिक तौर पे और सोशल का मतलब होता है सामाजिक तौर पे। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल इन्हीं तीनों क्राइटेरिया पे अगर वो फिट है तभी हम उस इंसान को हेल्दी बोल सकते हैं दी हेल्थ सिंपली डज नॉट मीन्स द डिजीज फ्री कंडीशन और द फिज़िकल फिटनेस अब हेल्थ के अंदर अगर कोई इंसान सिर्फ फ़िज़िकली फ़िट है तो उस इंसान को हम हेल्दी नहीं बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान के अंदर कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है या डिप्रेशन के अंदर है तब भी उस इंसान को हम हेल्दी नहीं बोल सकते हैं तो जब वो फिज़िकली मेंटली और सोशली ठीक होगा तभी उस इंसान को हम हेल्दी बोल सकते हैं अब ये जो हेल्थ है वो बहुत कुछ रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से वो अफेक्ट हो सकती है द वेरी फर्स्ट रीज़न इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर द सेकेंड वन इज़ इन्फेक्शन एंड द थर्ड वन इज़ लाइफ स्टाइल यानी ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो ये वो डफेक्ट होते हैं जो कि जो चाइल्ड है जो ऑफ स्प्रिंग है वो इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से दूसरा है इन्फेक्शन इन्फेक्शन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है और जो तीसरी चीज़ है जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है वो है हमारी लाइफ स्टाइल यानी कि कैसा खाना हम खाते हैं कैसा पानी हम पीते हैं कितनी एक्सरसाइज करते हैं क्या हमारी डेली रूटीन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी हेल्थ को अफ़ेक्ट कर सकती हैं इसके अलावा तीसरी नेक्स्ट चीज़ ये आ सकती है कि जो हमारी हेल्थ है हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं कैसे उसको बना के रख सकते हैं तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं सबसे पहला है कि हम बैलेंस डाइट लें और उसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करें दूसरा है पर्सनल हाइजीन यानी कि खुद की साफ़ सफाई रखी जाए तीसरा है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट यानी कि जितना भी जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे घर पे बनता है उसको सही से डिस्पोज ऑफ़ किया जाए चौथा है वेक्टर्स को कंट्रोल करना वेक्टर्स कैरियर होते हैं बेसिकली बीमारी को फैलाने में मदद करवाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी हाउस फ्लाइज हैं या फिर मॉस्किटोज़ हैं तो अगर उनकी ब्रीडिंग प्लेस को हम अगर वहाँ से साफ कर दें उसको ना वहाँ पर पनपने दें तो भी हम बीमारियों से बच सकते हैं नेक्स्ट वन इज़ मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक फूड यानी कि जो अच्छा खाना है सिर्फ़ हम उसी खाने को खाएं। नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनाइजेशन यानी कि टाइम टू टाइम जो वैक्सीन्स वगैरह लगती हैं उनमें पार्टिसिपेट करें वैक्सीन्स को लगवाएं और लास्ट वन है कि हमें बीमारी के बारे में पता हो प्लस उसका इफ़ेक्ट क्या होगा और उसके साथ साथ कैसे हम उससे बच सकते हैं उनसे रिलेटेड सारी अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो भी हम अपनी हेल्थ को मेनटेन रख सकते हैं द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ द डिज़ीज़ डिज़ीज़ बेसिकली ये होता है कि हमारी फिज़िकल फिटनेस यहाँ पे अफेक्ट होती है हमारे शरीर का कोई भी जो ऑर्गन है या कोई जो टिश्यू वगैरह है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब हम बोलते हैं कि हमें कोई भी बीमारी हुई है अब ये जो बीमारी है वो दो तरीके से हो सकती है पहली होती है इन्फेक्शस डिजीज़े और दूसरी है नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ अगर हम इन्फेक्शस डिज़ीज़ की बात करें तो ये वो बीमारियाँ होती हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसमिट हो जाती हैं ट्रांसफ़र हो जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स है कॉमन कोल्ड है ये जो बीमारी है वो एक से दूसरे इंसान के अंदर फैलती हैं इसीलिए हम इसको इन्फेक्शस डिजीजेज बोलते हैं वहीं अगर हम नॉन इन्फेक्शस डिजीजस की बात करें सो दीज आर दोज द डिजीज विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्राम द वन पर्सन टू एन अदर एग्जाम्पल इज़ कैंसर एंड हाइपर टेंशन यानी कि अब ये नॉन इन्फेक्शियस बीमारियाँ वो होंगी जो कि एक से दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसमिट नहीं होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर है या फिर हाइपर टेंशन यानी कि बी पी हाई वाली कंडीशन है तो ये वो कंडीशंस है जो कि दूसरे इंसान के अंदर नहीं फैलती हैं इसीलिए हम इसको नॉन इन्फेक्शस बोलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जो डिजीज़ हैं वो किस चीज़ की वजह से होती हैं कौन सी चीज़ें हैं जो कि बीमारी को आगे कॉज करती हैं तो उनके लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है बीमारियों के लिए उसको हम बोलते हैं पैथोजेंस द पैथोजेंस आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारी फैलाते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं तो ये जो पैथोजें्स है ये कौन कौन हो सकते हैं बैक्टीरिया हो सकता है वायरस हो सकता है फंजाए हो सकता है प्रोटोजोवा हो सकता है या फिर हेलमेंट्स भी हो सकते हैं अब इस चैप्टर के अंदर हम इनसे रिलेटेड जिन जिन बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं वो कुछ ऐसे हैं कि जो बैक्टीरिया है उससे रिलेटेड हम टाइफॉइड और निमोनिया को पढ़ेंगे वायरल जो डिजीजेस हैं जो उनके अंदर हम कॉमन कोल्ड को पढ़ेंगे फंगस रिलेटेड डिजीज के अंदर हम रिंग वॉम को पढ़ेंगे प्रोटोजोन के अंदर हम मलेरिया और अमीबोइसिस के बारे में बात करेंगे और जो हेलिमेंथिक डिजीज हैं उससे रिलेटेड हम अस्कैरिस और जो एलिफेंटिस वाली बीमारी हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन करेंगे चैप्टर के अंदर तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हम बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में यानी कि वो बीमारी जो कि बैक्टीरिया की, की वजह से होंगी तो जो सबसे पहले डिजीज़ है वो है टाइफॉइड और इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है यानी कि वो ऑर्गेनिज्म वो बैक्टीरिया जो कि इस बीमारी को फैलाएगा उसका नाम है सेलिमोनेला टाइफी कौन से एरिया को वो अफेक्ट करता है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट ट्रांसफ़र होता हुआ ये दूसरे ऑर्गेन तक भी पहुंच सकता है अब जब किसी को टाइफाइड वाली बीमारी होती है तो क्या क्या जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं कि उस इंसान के अंदर हाई फीवर रह सकता है पेट में दर्द हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हेड भूख ना लगना या फिर इंटस्ट्रीशियल पर्फोरेशन या फिर अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो जाता है तो वहाँ पे डेथ भी उस इंसान की हो सकती है तो ये कुछ सिम्टम हैं जो टाइफाइड डिजीज़ के टाइम पे होते हैं फिर जो टाइफाइड के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है विडाल टेस्ट यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर दी टाइफॉइड इज विडाल टेस्ट अब कैसे ये बीमारी फैल सकती है तो अगर कोई भी इंसान अगर कंटामिनेटेड खाना या पानी पीता है कंटामिनेटेड का मतलब होता है दूषित खाना या पानी पीता है तो उससे बीमारी फैल सकती है अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है जो कि एन की बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है टाइफॉइड के लिए वो है मैरी मेलन का जिसको इस बीमारी की वजह से टाइफॉइड मैरी के नाम से भी जाना जाने लगा था शी वॉज अक बाई प्रोफेशन एंड वॉज अ टाइफॉइड कैरियर हु टाइफॉइड थ्रू द फूड शे प्रिपेर तो ये जो मेरी मेलन थी शी वॉज अ कुक और ये एक टाइफॉइड की कैरियर भी थी और जो वो अपना खाना बनाती थी उसके थ्रू बहुत सालों तक उन्होंने ये जो टाइफॉइड वाली बीमारी है उसको लोगों के अंदर फैलाया था द नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इज़ द निमोनिया एंड द कोजिटिव ऑर्गेनिजम इज द स्टिप्टोकोकस निमोनिया एंड द हेम्योफिलियस इन्फ्लुन्जा यानी कि स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया और हेमस हेमोफिलस इन्फ्लुजा की वजह से जो निमोनिया वाली बीमारी है वो होती है जो निमोनिया बीमारी के टाइम पे जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो होती है एलोवेलाई और यहाँ पे एलोवेलाई के अंदर एक फ्लूइड फिल हो जाता है फ्लूइड भर जाता है जिसकी वजह से रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो फेस करने को मिलती है अब निमोनिया के टाइम पर क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं वो है फीवर चिल कफ हेड या फिर अगर कोई सीवियर केस है उसके अंदर जो उस इंडिविजुअल के लिप्स और जो फिंगर नेल्स होंगे वो ग्रे से ब्लूइश कलर के अंदर भी टर्न हो सकते हैं अब कैसे बीमारी स्प्रेड हो सकती है वो है कि अगर हम किसी भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अगर ड्रॉपलेट या फिर जो एयर सॉल्स हैं जो कि एयर के अंदर रिलीज हुए हैं अगर हम उनको इनहेल कर लें तो भी ये बीमारी हमारे अंदर आ सकती है या फिर इसके अलावा किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर हम यूटेंसिल या फिर कोई और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है कोई दूसरी चीज़ें हैं अगर हम उसको शेयर करते हैं तो उससे भी ये बीमारी हमारे अंदर फैल सकती है द नेक्स्ट वन इज़ वायरल डिजीज़ेस यानी कि ये वो बीमारियाँ होंगी जो कि वायरस की वजह से फैलेंगी और इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है कॉमन कोल्ड तो जो कॉमन कोल्ड है वो नॉर्मली फैलता है राइनो वायरस की वजह से यहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया होता है वो है हमारा नोज़ और हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि हमारा जो मेन organ है दैट इज़ आर लंग वो अफेक्ट नहीं होता है जो सिर्फ रेस्पिरेशन का पैसेज है सिर्फ वो पैसेज जो रास्ता है वही अफेक्ट होगा लंग्स अफेक्ट यहाँ पर नहीं होंगे अब इस बीमारी से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो है नेजल कॉग्नीशन एंड डिस्चार्ज इसके अलावा sore throat हो सकता है कफ हेडेक या फिर टाइडनेस जो है वो इस टाइम पे फील करने को मिलती है इसके अलावा ये बीमारी कैसे स्प्रेड हो सकती है वो है कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर हम उसके ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लें तो उससे बीमारी हमको हो सकती है अब ड्रॉपलेट्स कैसे आएंगी कि कोई भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसने स्नीज किया है या कफ़ किया है तो उससे उनके जो ड्रॉपलेट्स या फिर जो एयरसॉल्स हैं वो एयर के अंदर रिलीज़ हो जाएंगे और अगर ऐसी ही एयर के अंदर अगर हम इनेल करते हैं तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर भी एंटर हो जाएंगे या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसके साथ अगर हम कोई भी यूटेंसिल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर शेयर करते हैं तो उससे भी हमको कॉमन कोल्ड वाली ये जो बीमारी है वो हो सकती है एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये भी है कि अगर जब हम अ, हमको कोई भी वायरल बीमारी होती है तो उसमें कभी भी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो फंक्शन नहीं करती हैं क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि जो एंटीबायोटिक होती हैं वो बैक्टीरिया और फंगस से बनती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल और फंगल डिजीज़ज़ के अगेंस्ट ही काम करती हैं वो वायरल बीमारियों में काम नहीं करती हैं द थर्ड वन इज़ द प्रोटोज़ोवन डिजीजेस यानी कि वो बीमारी जो कि प्रोटोज़ोवा की, की वजह से होंगी और यहाँ पे हम दो बीमारियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सबसे पहली है वो है मलेरिया एंड द सेकेंड वन इज़ अमीबॉइसिस तो जो सबसे पहले अगर हम मलेरिया की बात करें तो यहाँ पे जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज़्म है वो है प्लाज्मोडियम ये जो प्लाज्मोडियम है वो एक टाइप का प्रोटोजोवा है और उसी की वजह से जो मलेरिया है वो होता है अब इस प्लाज्मोडियम की तीन स्पीशीज़ हैं जो कि हमारे अंदर मलेरिया फैला सकती हैं पहली है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दूसरी है प्लाज्मोडियम मलेरिया और तीसरी है प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम ये जो प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम है ये बहुत ज़्यादा है फैटल बीमारी होती है यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है और सबसे जो डेंजरस तरीके का जो मेलेग्नेंट मलेरिया है वो यही बीमारी यही जो प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम स्पीशीज़ है वो कॉज करते हैं अब ये जो प्रोटोजोवन होता है इसको दो होस्ट की ज़रूरत होती है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक होस्ट होगा मॉस्किटो और जो दूसरा होस्ट होगा वो होगा ह्यूमन हींग अब यहाँ पे जो इस जो प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्शियस फॉर्म है उसको हम स्पोरोजोइट बोलते हैं और यही जब हमको कोई भी मॉस्किटो बाइट करता है तो उसकी बाइट के साथ हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाती है हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाती है यहाँ से नीट के पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि जो इन्फेक्शस फॉर्म होती है प्लाज्मोडियम की जब मॉस्किटो बाइट होता है तो उस टाइम पे उसका नाम क्या था तो उसका जो सही आंसर था वो था स्पोरोजॉइट अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो वेक्टर है जो कैरियर है प्लाज्मोडियम का वो होता है फीमेल एनाफेलिज मॉस्किटो यानी कि जो फीमेल एनाफेलिज मॉस्किटो है उसी के थ्रू ये जो प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ हैं वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर सकती हैं अब एक और टर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है दैट इज़ हीमोजोइन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई फीवर चेल्स रिकरिंग एवरी थ्री टू फोर डेज़ यानी कि जो हीमोजोइन है वो नॉर्मली तब बनता है जब हमारे आर रप्चर होते हैं जब आर रप्चर होंगे तो उस टाइम पर यह हीमोजोइन रिलीज होगा और ये जो हीमोजोइन है यही रिस्पॉन्सिबल होता है जब हमको फीवर होता है या मलेरिया होता है तो जो हमको बार बार ये फीवर आता है मलेरिया के टाइम पे वो इसी हीमोजोइन की वजह से ही आता है अब ये जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है इसको हम एक बार डिटेल में पढ़ते हैं तो सबसे पहला है कि वेन द मॉस्किटो बाइट एंटर्स अनदर ह्यूमन पोरोजोइ्स आर इन्फेक्टेड विद द बाइट फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी जो फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो है अगर उसने हमको बाइट किया है तो जब वो हमको बाइट करेगी तो उसके बाइट के साथ साथ जो इन्फेक्शस फॉर्म होती है जिसको हम स्पोरोजोइट भी बोलते हैं वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाती है हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाती है इसके आगे वो फिर पहुंचती है हमारे लिवर के अंदर यानी कि वो हमारे ब्लड के थ्रू होते हुए हमारी जो लिवर सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचेगी फिर ये वहाँ पर क्या करती है कि ये वहाँ पर अपने आप को एसेक्शुअली रिप्रोड्यूस करवाएगी हमारे लिवर सेल के अंदर और फिर वो जो लिवर सेल्स हैं उनको बर्स्ट कर देगी और उसकी मदद से ये जो इसने ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस किया और फिर ये हमारे अल्टीमेटली फिर से ब्लड के अंदर रिलीज़ हो जाएगी यानी मॉस्किटो ने बाइट किया सबसे पहले ये पहुंचा लिवर के अंदर लिवर सेल के अंदर इसने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किया और फिर लिवर सेल को ही बर्स्ट कर दिया और फिर से वो ब्लड के अंदर रिलीज हो गई अब ब्लड के अंदर रिलीज़ होने के बाद ये फिर से आर के अंदर ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करेगी और फिर से हमारी जो आर होगी उनको भी बर्स्ट कर देगी और यहीं पे हमारा जो हीमोजोइन है वो रिलीज़ होगा जिसकी वजह से हमको हाई फीवर यहाँ पे देखने को मिलेगा उसके बाद ये जो आर में पहुँचने के बाद अब यहाँ पे आएगी इसकी सेक्शुअल स्टेज यानी कि यहाँ पे अब इसके गैमेट बनेंगे गैमेट यानी कि मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे और यहाँ पे इसको ज़रूरत होती है सेकेंड होस्ट की अभी तक इसका जितना भी प्रोसीजर चल रहा था कि ये लिवर के अंदर पहुँचा फिर आर के अंदर पहुँचा फिर उसने रप्चर किया और वहाँ पे गैमेट्स बनाए ये सारी चीज़ें हो रही थी ह्यूमन होस्ट के अंदर अब यहाँ पर इसको ज़रूरत पड़ेगी सेकेंड होस्ट की और वो जो सेकेंड होस्ट है वो होगा मॉस्किटो तब ये जो इसके गैमेट बने हैं वो अब ये जो फीमेल मॉस्किटो ने फिर से अगर उस इंसान को इन्फेक्टेड इंसान को बाइट किया तो उसके बाइट के साथ ये जो गैमेटोसाइट्स थे वो फिर से फीमेल मॉस्किटो के अंदर पहुंच जाएंगे फिर यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसीजर है गैमेट का वो होगा और वो होता है मॉस्किटो की गट के अंदर और जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद ये जो फिर से अपने आप को ग्रो करवाएंगे और ग्रो करवाने के बाद जब ये मैच्योर हो जाएंगे कम्पलीटली तो ये गट से निकल के जो मॉस्किटो का सलाइवरी ग्लैंड है उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है तो ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो ये फर्टिलाइजेशन होगा गैमेट्स का वो तो होता है मॉस्किटो की गट के अंदर और जब ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं तो वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं ये मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर अब अगर इसी टाइम ड्यूरेशन फिर इसी टाइम ड्यूरेशन पे अगर वो मॉस्किटो फिर से बाइट करता है किसी भी ह्यूमन बींग को तो उसके बाइट के साथ उसके सलाइवरी ग्लैंड से निकल के ये जो स्पोरोजोइट है वो उस इंसान को फिर से अफेक्ट कर देंगे तो ये लाइफ साइकिल होती है प्लाज्मोडियम की और इसमें उसको दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं की मदद से अपना ये जो लाइफ साइकिल है उसको वो पूरा करता है नाउ द सेकेंड डिजीज़ इज़ अमीबॉयसेस जिसको हम अमीबॉय डिसेंट्री के नाम से भी जानते हैं इसके अंदर जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है होता है वो है एंटाबा हिस्टोलिटिका इसके लिए जो बीमारी के लिए जो कैरियर जो वेक्टर है वो होती हैं हमारी हाउस फ्लाइज जो घरों में मक्खी होती हैं वही इस बीमारी को कैरी करती हैं अपने पैरों के साथ और हमारे अंदर फैला देती हैं अब इस बीमारी की वजह से जो अफेक्टेड एरिया है यानी हमारा कौन सा बॉडी पार्ट जो अफेक्ट होता है वो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो भी यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बीमारी के दौरान वो है कॉन्स्टिपेशन एब्डोमिनल पेन क्रैम्प्स या फिर कुछ केसेस के अंदर स्टूल विद दी एक्सिस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट भी यहाँ पे देखने को मिलता है अब ये बीमारी कैसे स्प्रेड होती है वो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू यानी कि जो हाउस प्लाइज है वो कैरियर का, का काम करेंगी अपने साथ ये जो अमीबोस एंड अमीबा हिस्टॉलिटी का है इसको ले आएंगी और फिर हमारा कोई भी जो खाना या फिर पानी है जो हमने ढक के नहीं रखा है उसके ऊपर फैला देंगे इनको उसके ऊपर इसको छोड़ देंगे और अगर ऐसा कंटामिनेटेड खाना हम खाते हैं तो हमको ये जो अमीबोइसिस वाली बीमारी है ये हो सकती है द नेक्स्ट वन इज़ द हेलीमेंथिक डिजीजेस यानी कि वो बीमारियाँ जो कि हेलीमेंट्स वॉर्म्स की, की वजह से होती हैं उनको हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे बेसिकली दो बीमारियाँ हैं पहले का नाम है एसकेरस और दूसरी का नाम है एलिफेंटस या फिर जिसको हम फ्लैरिस भी बोलते हैं अगर हम अस्कैरिस की बात करें तो यहाँ पे जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम भी अस्कैरस ही है जिसके नाम पे ही इस बीमारी का नाम पड़ा है अब यहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया है वो है हमारा इंटस्टाइन जो जो सिम्टम्स हमको इस बीमारी के दौरान देखने को मिलते हैं वो है इंटरनल ब्लीडिंग मस्क्यूलर पेन फीवर एनीमिया और इसके साथ साथ जो इंडस्टिशियल पैसेज होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है इस बीमारी के दौरान अब ये बीमारी कैसे फैल सकती है वो ऐसे है कि जो एग्स होते हैं किसी भी पैरासाइट के वो फीकल मैटर के साथ जो भी इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीकल मैटर है उसके साथ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं और फिर जाके सॉयल में वाटर में या प्लांट को ये कंटामिनेट कर देते हैं और अगर ऐसे एरिया से कोई भी जो फ्रूट है वेजिटेबल है या फिर जो पानी वगैरह है अगर हम वहाँ से किसी भी तरीके से वो पानी हम तक पहुँचता है तो उसके थ्रू ये जो बीमारी है वो हम तक भी पास डाउन हो सकती है नाउ द लास्ट डिजीज़ एलिफेंटसिस जिसको हम फ्लैरिस के नाम से भी जानते हैं अब इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है वचैरिया अब वचैरिया के दो हैं टाइप हैं जो कि इस बीमारी को फैलाते हैं पहला है वो चेरिया और दूसरा है वोचेरिया मलाई यहाँ से बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन से टाइप के जो वोचेरिया हैं वो इस बीमारी को फैलाते हैं तो ये जो बेंक्रॉफ्टी और मलाई है यही इस बीमारी को फैलाते हैं अब एलिफेंटिस के दौरान जो अफेक्टेड होरिया एरिया होता है किसी भी इंडिविजुअल का वो है लिम्फेटिक वेसल्स जो हमारे लोअर लिम के जो लिम्फ़ेटिक वेसल्स होते हैं वो इस बीमारी के दौरान अफेक्ट होते हैं और इसके साथ साथ जो जेनाइटल एरिया है वो भी यहाँ पे डीफॉम हो जाता है उस एरिया को भी अफेक्ट किया जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे डिफॉर्मेशन हो जाती है अब ये बीमारी किस तरीके से फैल सकती है वो है द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्क्यूटो वैक्टर यानी कि यहाँ पे भी जो मॉस्क्यूटो है वो एज अ वैक्टर एज अ कैरियर काम करेगा इस बीमारी को फैलाने के लिए द लास्ट वन इज़ द फंगल डिजीज़ यानी कि वो बीमारियाँ जो कि फंगस की वजह से होती हैं और यहाँ पे जिस बीमारी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है रिंगवॉम अब रिंग वॉम के लिए जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो तीन जेनराज होते हैं फंगस के जो कि ये रेंग वम वाली बीमारी फैलाते हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से तीन जेनराज हैं फंगस के जो कि इस बीमारी को फैलाते हैं तो इसके लिए जो तीन जेनराज हैं वो है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन ये जो तीन जेनराज हैं यही रेंग वम वाली बीमारी को कॉज करते हैं कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं रिंगवम वाली बीमारी के दौरान वो है कि हमारे जो स्किन है या फिर जो नेल है या फिर जो और अलग अलग बॉडी के पार्ट हैं वहाँ पे कुछ ड्राई स्केली लीजेंस की जो अपीयरेंस है वो हो सकती है इसके साथ साथ जब वो लीजेंस आएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी बहुत ज़्यादा खुजली होती है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है इसके अलावा इनको ग्रोथ के लिए जो सबसे अच्छा टाइम जो अच्छी चीज़ इनके लिए रिक्वायर्ड है जो ऑप्टिमम है वो है हीट और मॉइस्चर द हीट एंड मॉइस्चर दिस फंगस टू ग्रो मेक इट thrive in द स्किन folds सच एज़ द गोरेंस और बिटवीन द टोज़ तो यानी कि यहाँ पे अगर हीट मिलेगा इनको मॉइस्चर मिलेगा उतना ही बेटर होगा उतने ही जल्दी वो फंगस वहाँ पे ग्रो करेगी और स्पेशली हमारे शरीर के वो एरियाज जहाँ पे स्किन फोल्डिंग देखने को मिलती है उन एरियाज के अंदर ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है फॉर एग्जांपल हमारे टोज़ तो हमारी जो टोज़ हैं वहाँ पे स्किन फोल्डिंग है जिसकी वजह से वहाँ पे रिंग वम वाली बीमारी बहुत नॉर्मली देखने को मिलती है अब कैसे ये बीमारी स्प्रेड हो सकती है वो है दैट इट कैन बी अकवाइड फ्रॉम द सॉयल और यूजिंग द टावल क्लोथ और इवन द कॉम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन तो यानी कि सॉयल से भी ये बीमारी हमको हो सकती है या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है अगर हम उसका टावल यूज़ कर लेते हैं या उसके कोई कपड़े या फिर इसके अलावा इवन अगर हम उसकी कॉम को भी अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू भी ये जो बीमारी है वो जो द हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर फैल सकती है तो ये कुछ बीमारियाँ थी जो कि नॉर्मल पैथोजेंस की, की वजह से होती हैं अब नेक्स्ट इज़ कि हम इन बीमारियों को कैसे अपने आप से बचा सकते हैं हम बीमारी होने से कैसे अपने आप को रोक सकते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पर्सनल और पब्लिक हाइजीन का ध्यान रखें पर्सनल हाइजीन यानी खुद की साफ़ सफ़ाई पब्लिक हाइजीन मतलब हमारे आसपास की साफ़ सफ़ाई इसके आसपास जो इसके अलावा जो वेक्टर्स वगैरह हैं अगर हम उनको भी अपने आसपास में ना ग्रो होने दें तो उसकी मदद से भी हम इन बीमारियों से बच सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम हमारे आसपास जो हमारे रेजिडेंशल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे वेक्टर्स को ना बढ़ने दें हमारे हाउस होल्ड जो कूलर्स होते हैं उनको हम रेगुलर क्लीन करें इसके अलावा मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें या फिर कुछ फिशेस जैसे कि जो गंभीर फिश होती है उसको हमारे पॉन्ड्स के अंदर छोड़ दें क्योंकि ये जो फिश है वो मॉस्किटो लार्वा के ऊपर फीड करती है और अल्टीमेटली उनको ग्रो नहीं होने देती है तो अगर हम इन कुछ नॉर्मल चीज़ों का ध्यान रखें तो हम खुद को इन बीमारियों से बचा सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू हैव लाइक डॉर वीडियो देन प्लीज डो नॉट फॉर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो यू कैन टेल एस यूर व्यूज इन आवर कमेंट सेक्शन इज वेल थैंक यू सो मच